अजमेर के कृष्णगंज थाने में जमीन की एवज में लिए गए 151,000 वापस नहीं लौटाने पर कोर्ट के जरिए इस्तगासे के माध्यम से मुकदमा दर्ज किया गया। कृष्णगंज थाने के सब इंस्पेक्टर बुद्धाराम ने बताया कि श्रीनगर चंदावजी की रहने वाली पिंकी गहलोत ने मुकदमा दर्ज कराया कि रातिडांग चौरसी आवास के रहने वाले जावेद से उन्होंने जमीन खरीदी थी और इसकी एवज में 151,000 दिए थे, लेकिन जावेद ने ना तो जमीन के दस्तावेज दिए और ना ही रुपए वापस लौटाए। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पिंकी गहलोत है, इसका 156(3) के तहत माननीय न्यायालय से एक इस्तगासा थाने पर प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने एक कोई जावेद नाम के लड़के से कोई ज़मीन खरीदना बताते हैं, जिसका उसने ज़मीन के 151,000 रुपये साई पेटे पैसे ले लिए और उसको ज़मीन भी नहीं दी और पैसे भी ले लिए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे में इसकी जाँच अभी शुरू की गई है। पर है ये जमीन रातिडांग में बता रहे हैं, नौसर के अंदर चौरसियाबास रोड पर है। इसने जावेद पुत्र शौकत मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जावेद ये है सरगवी स्कूल के पास में चौरसियाबास रोड के ऊपर रहता है। इसकी जांच अभी जारी है और रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा, उसमें आगे क्या होगा क्या वो रिकॉर्ड के आधार पर आगे अनुसंधान किया जाएगा। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।